फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारी बुक का बहुत ही बढ़िया पोएम जिसका नाम है ट्रीज। वी ऑल नो दैट ट्रीज आर वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ अस। वी आर डिपेंडेंट अपॉन ट्रीज फॉर ऑक्सीजन, फॉर फ्रूट्स, फॉर मेडिसन्स, फॉर फर्नीचर। हम सब पेड़ों पर बहुत ही डिपेंडेंट हैं, निर्भर करते हैं। हमें पेड़ों से फल मिलते हैं, मेडिसन्स मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलती है ताकि हम सांस ले सकें। अगर पेड़ हैं तो ही लाइफ, जीवन पृथ्वी पर संभव है। तो ऐसी ही पोइम आपकी बुक में आपके सामने है। तो सबसे पहले इन्होंने एक छोटी सी एक्टिविटी दी है, वो आप सब भी करेंगे। टेक अ फ्यू मिनट्स टू टेल वन अनदर द नेम्स ऑफ ट्रीज दैट यू नो और हैव हर्ड ऑफ। तो आपने कुछ मिनट के लिए अपने कॉपी के ऊपर कुछ ऐसे ट्रीज के नेम लिखिए जिनके नेम आपको पता हैं या आपने किसी से सुने हैं। और फिर अगला टॉपिक करना है आपने मेंशन द थिंग्स ट्रीज गेव अस, जो चीज़ें हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं, जो हमें पेड़ देते हैं, उनके नाम लिख लेने हैं। ठीक है, सब लिखोगे अपने कॉपीज के ऊपर? उम्मीद है सब लिखेंगे। उसके बाद फिर हमने ये पोइम रीड करनी है। ठीक है, तो अब आपको सीधे ही पोइम पे ले चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आ गई है। सबसे पहली है, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स। जब भी ट्रीज का नाम लेते हैं तो हमें बर्ड्स याद आते हैं कि ट्रीज के ऊपर कौन रहते हैं? बर्ड्स। तो ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रेन, ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक एक गेम है, ठीक है ना, जिसको छुप छुपाई बोलते हैं, है ना। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। तो यहाँ पर जो पोइट है इन लाइंस में हमें बता रहा है कि ट्रीज किस प्रकार सभी की हेल्प करते हैं, किस प्रकार हम उन पर निर्भर हैं। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, यहाँ पर बर्ड्स रहते हैं अपने नेस्ट बनाकर, घोंसले को क्या बोलते हैं? नेस्ट। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, तो बच्चे पेड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, पेड़ों की छाया में खेलते हैं, है ना। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, तो कई लोग पेड़ों के ऊपर घर भी बना लेते हैं। आप कभी जू गए हो छतबीड़? तो वहाँ पर ट्री हाउस बना हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, तो पेड़ों के साथ हम स्विंग्स होते हैं झूले, पींग, है ना, हम झूला डाल लेते हैं और फिर झूलते हैं पेड़ों के साथ। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, जो ट्रीज हैं उनके उनसे हवाएं चलती हैं, आंधियां, विंड चलती है। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड, पेड़ों के पीछे छिपा जा सकता है, कब? हाइड एंड सीक में। हाइड एंड सीक एक गेम है, छुपन छुपाई, हम पेड़ों के तनों के पीछे जाके छिप जाते हैं। कई बच्चे तो पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, तो कई दफ़ा हम घूमने जाते हैं, अपने साथ हम पिकनिक का सामान ले जाते हैं, चाय वगैरह, तो जहाँ पर पेड़ होता है पेड़ के नीचे बैठकर हम फिर अपनी चाय स्नैक्स वहाँ पे बैठ के खाते हैं, तो टी पार्टी करते हैं हम ट्रीज के नीचे। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन,
ट्रीज और किस लिए हैं, वहाँ पर पतंग भी फंस जाते हैं, है ना। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यस, जी, ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, ट्रीज मेक मदर से, वॉट अ लवली पिक्चर टू पेंट, ट्रीज मेक फादर से, वॉट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। तो अब इस पार्ट के अंदर पोइट जो है थोड़ा सा ह्यूमर भी लेके आ रहा है। जैसे उसने पहले पतंग कहा, पेड़ किस किस के लिए हैं, पतंग में फंस जा, पतंग उसमें फंस जाएं। तो ये जब किसी का पतंग जो है काइट ट्रीज की ब्रांचेस में उलझ जाता है, फंस जाता है, फट जाता है, तब उसको ट्रीज अच्छे लगते हैं नहीं। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा ट्रीज के कारण जो हमें हल्की सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कुछ एक थोड़ा सा ह्यूमर लेके आ रहा है, मजाक लेके आ रहा है। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, और यहाँ पे फ़ायदा बता रहा है कि जो ट्रीज़ हैं वो समर के अंदर हमें ठंडी छाया देते हैं, कूल शेड। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, लेकिन सर्दियों में पेड़ की तो छाया होती ही है, है ना। तो सर्दियों में लेकिन हम उसकी छाया नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जिस ओर से पेड़ छाया डाल रहा है हम वहाँ से पेड़ को थोड़ा कट कर देते हैं, उसको छांग देते हैं, है ना, उसको ट्रिम कर देते हैं उसकी ब्रांचेस को, ताकि हमारे ग्राउंड तक अच्छे से धूप पहुँच पाए। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, तो यहाँ पर जो पोइट है उसने हमें ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है फ्रूट्स, है ना, उसके बारे में दिलवाया है कि फ्रूट्स से हमें एप्पल्स मिलते हैं, पियर्स मिलते हैं, और सारे फ्रूट्स मैंगोस, है ना, आप सभी नेम्स जानते हो, तो उन सभी के फ्रूट्स हमें ट्री से ही मिलते हैं। ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, तो ट्रीज़ जो हैं कहते जब उनको काट दिया जाता है, चॉप होता मतलब, चॉप का मतलब काटना, ठीक है, जब उनको काट दिया जाता है, उनकी ब्रांचेस को छांग दिया जाता है, तो उसके वो ट्रंक्स जो हैं बड़े बड़े मोटे मोटे वो गाड़ी में लाद ले जाते हैं, फिर उसको बोलते हैं टिम्बर, क्या बोलते हैं, टिम्बर। ट्रीज मेक मदर्स से, जो ट्रीज हैं उनको देख के मदर्स क्या बोलती हैं, माताएं क्या बोलती हैं, व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, अरे कितनी सुंदर पिक्चर बनी हुई है, इसको देख के पेंट करने को दिल कर रहा है ना। एंड ट्रीज मेक फादर्स से, और फादर्स क्या बोलते हैं ट्रीज को देख के, व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, अब इस बार कितने पत्ते पतझड़ में गिरेंगे, ठीक है। और ये पोइम जो है बहुत ही अच्छी पोइम थी, ये पोइम लिखी है शर्ले बॉयर जी ने, क्या नाम है, शर्ले बॉयर, ठीक है। तो एक बार इसको हम पूरा ही आपके लिए पढ़ लेते हैं, बीच में रुकेंगे नहीं, जस्ट इसके समझ लिए हमने पोइम, सिर्फ इसको एक बार इसको पढ़ना कैसे है उसकी मॉडल रीडिंग ले लेते हैं। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, ट्रीज मेक मदर्स से,
What a lovely picture to paint. Trees make fathers say. What a lot of leaves to make rake this fall. By Shirley Boyer. ठीक है, तो बहुत अच्छी पोइम थी।